नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर सक्षम अकादमी में। पिछले बार प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने आपका अल्मोड़ा जिले के शैलाश्रयों की बात करी थी। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चमोली जिले के शैलाश्रयों की। चमोली जिले में पौराणिक पंच प्रयागों में से तीन प्रयाग आपका चमोली जिले में केंद्रित हैं। इनमें से जो पहला प्रयाग है वो है विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग आपका नंद प्रयाग और तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। इसी कर्ण प्रयाग में, जो कि चमोली जिले में स्थित है, दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा तथा पिंडर, या पिंडर को ही एक अन्य नाम कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि अलकनंदा का उद्गम सतोपन ताल है, जबकि पिंडर पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। चमोली जिले में इन्हीं दो नदियों पे आपके दो शैलाश्रय भी हैं। अगर मैं पिंडर नदी की बात करूं तो यहाँ थराली नामक स्थान से कुछ दूरी पहले एक गांव है जिसका नाम है किमनी, और इसी गांव में एक शैलाश्रय भी स्थित है। दूसरा, अलकनंदा वैली में चमोली कस्बे से अलकनंदा को अगर पार करें तो यहां पहाड़ी पर चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर बसा हुआ है, और गोपेश्वर से कुछ आगे जाते ही अलकनंदा नदी वैली में ही आपका एक दूसरा गांव है जिसका नाम है डुंगरी। इसी डुंगरी में एक शैलाश्रय है जिसका नाम ग्वरख्या उड्यार है। अब एक एक करके हम इन दोनों शैलाश्रयों की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं किमनी गांव की, तो जैसे कि आपके पीछे ये मैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आपका किमनी गांव है, और ये जो नदी है ये है आपकी पिंडर। साथ ही साथ जो ये स्थान है ये है आपका थराली, और ये जो आपका हाईवे आ रहा है ये है आपका कर्णप्रयाग से ग्वालदम जाने का मार्ग। इसी मार्ग पे किमनी नामक गांव में एक शैलाश्रय है जिसे कि किमनी शैलाश्रय कहते हैं। तो पहला फैक्ट आपका यहीं पे तैयार होता है कि किमनी शैलाश्रय किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो होगी आपकी पिंडर नदी के किनारे। और इसी किमनी गांव में जो आपका शैलाश्रय है उसमें जो कलर्स आपके यूज हुए हैं, मुख्यतः उसमें आपका सफ़ेद कलर यूज हुआ है, यानी कि वाइट। कुछ धब्बे हमको देखने के लिए मिलते हैं सफ़ेद कलर के किमनी गांव में, के इस शैलाश्रय में। और जनरली जो आपका पुरातत्व वेदाओं के द्वारा बताया गया वो ये बताया गया कि ये हथियार तथा पशुओं के चित्र हैं। हालांकि समय के साथ आपके शैलाश्रय अब धुंधले पड़ चुके हैं, इनकी जो कलाकृतियां हैं वो भी धुंधली पड़ चुकी हैं, तो ज़्यादा हमें किमनी गांव के इस शैलाश्रय के विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। अगले शैलाश्रय की ओर मैं बढ़ूं, तो ये है आपका गोपेश्वर के पास स्थित ग्वरख्या उड्यार, ये है आपका डुंगरी। डुंगरी नामक गांव आपका गोपेश्वर से आगे है, चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर से आगे, और जो नदी इसके पास में बहती है वो है आपका अलकनंदा नदी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्वरख्या उड्यार जो कि डुंगरी गांव में है वो आपका अलकनंदा नदी घाटी में स्थित है। साथ ही साथ जो इसका नाम है ग्वरख्या उड्यार, उसके पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये मानना था कि गोरख्याणी के समय गोरखा लोगों ने अपने लूट का माल जो लूटा उन्होंने वो इसी उड्यार के आसपास छुपा दिया था, जिस कारण
इस उड्यार का नाम गोरख्या उड्यार पड़ गया। हालांकि जब इसका अध्ययन किया गया तो एक बात सामने आई कि यहाँ पे गोरख्या या गोरखा लोगों के द्वारा ये चित्र नहीं बनाए गए, बल्कि ये चित्र आदि मानवों के द्वारा बनाए गए। और सबसे पहले जो इस गुफा का अध्ययन किया था वो राकेश भट्ट के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसकी खोज का श्रेय भी राकेश भट्ट को दिया जाता है। साथ ही साथ चित्रकला की दृष्टि से गोरख्या उड्यार पूरे उत्तराखंड के शैलाश्रयों में सबसे ज़्यादा सुंदर माने जाते हैं, यानी कि चित्रकला की दृष्टि से सर्वोत्तम। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्हें सर्वोत्तम क्यों कह दिया गया है, आखिर इनमें ऐसा क्या है कि जो लखु उड्यार और अन्य गुफाओं की तुलना में इन्हें सर्वोत्तम कह दिया गया। इन जो गुफाओं में जानवरों के चित्र मिलते हैं वो थोड़ा सा हमें अधिक प्राकृतिक मिलते हैं। जो बकरी नुमा यहाँ पे चित्र हमें प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादा करीब लगते हैं किसी बकरी के, यानी कि जहाँ लखु उड्यार में कुछ रेखाओं के माध्यम से ही जानवरों के चित्र का अंकन किया गया था, वहीं आपका जो गोरख्या उड्यार है यहाँ पे जानवरों का जो चित्र है वो थोड़ा सा बेटर तरीके से बनाया गया है। उस पर सींग वगैरह जो उसकी पूंछ है थोड़ा सा इतना भव्य उसे आकृति दी गई है, इसीलिए इसे चित्रकला की दृष्टि से सबसे अधिक सर्वोत्तम शैलाश्रय माना जाता है। अध्ययन करने पे ये पता चलता है कि यहाँ कुल 41 आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें से कुछ आकृतियाँ इस प्रकार की हैं और कुछ आकृतियाँ आपके पशुओं की प्रकार की हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 33 आकृतियाँ इन 41 में से हमें मानवों की प्राप्त होती हैं और 8 आकृतियाँ हमें पशुओं की प्राप्त होती हैं। बात की जाए गोरख्या उड्यार की विषय वस्तु क्या है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने एक चित्र बनाना चाहूँगा। मान लीजिए कि ये कोई जानवर है और ये कोई मनुष्य जिसके हाथ में एक डंडा है। लगभग गोरख्या उड्यार के जो सारे चित्र हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। अब इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मनुष्य है ये इस जानवर को हाँका दे रहा है और हाँका दे के घेरने का प्रयास कर रहा है, यानी कि कुल मिला के या तो वो जानवर को अपने अन्न वगैरह की प्राप्ति के लिए मारने का प्रयास कर रहा है। और कुल मिला के जो गोरख्या उड्यार की विषय वस्तु है उसमें हमें अधिकतर यही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, इसीलिए इसकी विषय वस्तु को कह दिया जाता है कि मनुष्य द्वारा पशुओं को हाका देकर घेरना। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है ये सारी चीज़ें आपके एक अंदाजे पे आधारित होती हैं, यानी कि जो पुरातत्वता आपके अंदाज़ा लगाते हैं उसी आधार पर ये किताबों में भी लिख दिया जाता है। अगर मैं गोरख्या उड्यार के रंगों की बात करूं तो यहाँ पे पीली चट्टान पर गुलाबी तथा लाल रंगों से चित्रों का अंकन किया गया है और जो मनुष्य है उसे कुछ इस रूप में दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये रूप आपको त्रिशूल का दिख रहा है, इसीलिए जो गोरख्या उड्यार में मनुष्य का अंकन किया गया है वो त्रिशूल के रूप में किया गया है। यानी कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमको यहाँ से पता लगते हैं, गोरख्या उड्यार में मनुष्य का अंकन त्रिशूल के रूप में, गोरख्या उड्यार की खोज का श्रेय राकेश भट्ट को दिया जाता है, साथ ही साथ ये अलकनंदा वैली में चमोली जिले में स्थित है और यहाँ की विषय वस्तु पशुओं को हाँका देकर घेरना है। बढ़ते हैं अगले जनपद की ओर और ये है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से भी हमें दो शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। इनमें से जो पहला शैलाश्रय है वो है हुडली। हुडली आपका उत्तरकाशी में पुरोला के पास स्थित है। और ये शैलाश्रय थोड़ा सा और शैलाश्रयों की तुलना में थोड़ा सा अंतर रखता है, क्योंकि अधिकतर शैलाश्रयों में आपके लाल या उससे संबंधित रंगों का प्रयोग हुआ है, थोड़ा बहुत आपके काले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग भी दिखा जाता है, पर आपका जो हुडली शैलाश्रय है यहाँ पे नीले रंगों का प्रयोग देखने में आता है। साथ ही साथ हुडली से
हमें संख लिपि में लिखा गया एक लेख भी प्राप्त होता है। घुमावदार शब्दों के कारण इस लिपि को शंख लिपि का नाम दिया गया है, क्योंकि अधिकतर शब्द आपको एक शंख की भांति दिखाई देते हैं। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है और हमने ये परिभाषा आद्य इतिहास में पढ़ी थी कि ऐसे साक्ष्य जो हमें लिखित तो मिलते हैं पर पढ़े नहीं गए हैं वो आद्य इतिहास के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हुडली एक प्राग ऐतिहासिक स्थल होने के साथ साथ एक आद्य ऐतिहासिक स्थल भी है। साथ ही साथ अगर मैं दूसरा शैलाश्रय जो उत्तरकाशी जनपद में है बात करूं तो वो है थडुंगा, और यहाँ से काले रंग के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य शैलाश्रयों की अगर मैं बात करूं तो मंगोली शैलाश्रय, ये आपका नैनीताल जनपद में है, जहाँ से कि हमें एक वृषभ या यूं कहें एक बैल की पीठ की जैसी आकृति देखने के लिए मिलती है, वृषभ या बैल। इसके अलावा जो दूसरा शैलाश्रय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो है हथवाल घोड़ा, और ये शैलाश्रय आपका अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। इस शैलाश्रय से हमें एक मनुष्य मिलता है, एक मनुष्य के चित्र का अंकन मिलता है जिसने कि सींगों का एक मुकुट पहना हुआ है। तो ये थे वो तमाम शैलाश्रय जो हमें जानकारी देते हैं उत्तराखंड में आदि मानव के अस्तित्व की। अब आगे बढ़ते हैं और उन औजारों की बात करते हैं जो हमें जानकारी देंगे कि आदि मानव यहाँ पर रहा था तथा उसके द्वारा ये औजार प्रयोग में लाए गए थे। पहले भी मैंने बताया था कि आदि मानव के द्वारा कुछ पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था, पत्थर को पाषाण कहते हैं, और इसी आधार पर हमने प्राग ऐतिहासिक काल को एक अन्य नाम पाषाण काल भी दिया हुआ था या फिर स्टोन एज। इस पाषाण काल को इन औजारों की विविधता के आधार पर यानी इनके प्रगति के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। साथ ही साथ इस पुरापाषाण काल को भी अन्य तीन भागों में बांटा गया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल। अब इसे देख के घबराना नहीं है कि यह क्या लिख दिया गया। आदि मानव ने यहां से अपने औजार बनाने शुरू किए जो कि आपके भारी थे तथा कुछ बेडोल थे, यानी कि उनका आकार इतना अधिक धारदार या फिर इतना अधिक अच्छा नहीं था। धीरे धीरे उसने प्रगति की और वो मध्य पुरापाषाण काल में पहुंचा, उसके औजार थोड़ा सा और हल्के हुए, थोड़ा सा और धारदार हुए। धीरे धीरे ये प्रगति आगे पहुंची और उच्च पुरापाषाण काल में उसके हथियार थोड़ा और ज़्यादा बेटर दिखे, और ये क्रम आगे चलता गया और नवपाषाण काल में उसके जो सबसे अच्छे हथियार हमें इस काल में प्राप्त हुए। क्रम से हम इन हथियारों की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में ये हथियार हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात करूँ निम्न पुरापाषाण काल की, तो इस काल के हथियारों को या इस काल के उपकरणों को दो भागों में बांटा गया है, चॉपर चॉपिंग प्रकार तथा हैंड एक्स प्रकार। चॉपर चॉपिंग से आप समझ रहे होंगे कि चॉप करना, यानी कि किसी चीज़ को छोटे छोटे भागों में काटना, जनरली ये शब्द हम यूज करते ही हैं चॉपर चॉपिंग प्रकार। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि मांस के छोटे छोटे पीस करने के लिए जिन औजारों का यूज आदि मानव किया करता था वही रखेगी आपके चॉपर चॉपिंग प्रकार के अंतर्गत। दूसरा हैंड एक्स प्रकार, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। तो इस प्रकार के उपकरणों से वो मांस के बड़े खंडों को काटा करता था। हमें यही देखना है कि उत्तराखंड में हमें ये चॉपर चॉपिंग प्रकार का उपकरण कहाँ से मिला तथा हैंड एक्स प्रकार का उपकरण कहाँ से मिला। विद्वानों का ये मत है कि चॉपर चॉपिंग प्रकार का उपकरण जो हमें प्राप्त होता है वो श्रीनगर से प्राप्त होता है तथा हैंड एक्स प्रकार के उपकरण देहरादून में कालसी से प्राप्त होते हैं। ठीक,
इसके अलावा हमें आदिबद्री, चमोली का आदिबद्री, नैनीताल में खुटानी नाला, तथा अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी, से भी निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। ये जो उपकरण थे आपके क्वार्टजाइट के बनाए जाते थे, इसीलिए पाषाण काल के मानव को क्वार्टजाइट, खासतौर पे भारत के पाषाण काल के मानव को, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल करके जो औजार बनाए गए हैं वो इंडिया में बनाए गए हैं, इसीलिए इस काल के मानव को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। और इन साक्ष्यों से पता चल जाता है कि ये क्वार्टजाइट मैन आपका उत्तराखंड में भी रहता था। आगे बढ़ते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण हमें श्रीनगर से प्राप्त होते हैं। श्रीनगर ये उपकरण निम्न पुरापाषाण काल की तुलना में थोड़े छोटे थे, थोड़ा हल्के थे, तथा साथ ही ज़्यादा धारदार भी थे। और इनके बारे में बस इतना ही जानना है कि हमें श्रीनगर के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। अगर हम आगे बढ़ें, इसके बाद जो काल आता है वो आता है आपका उच्च पुरापाषाण काल। इसका अभी तक उत्तराखंड में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, या ये नहीं कहा जा सकता कि ये उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए। और अंत में चलते हैं नवपाषाण काल की तरफ। ये उपकरण जो थे इन पे आदि मानवों ने पॉलिश भी की हुई है, यानी कि जो आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनसे अपने उपकरणों को बचाने के लिए, वर्षा आदि से बचाने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो, उनके द्वारा इस पे पॉलिश भी की गई है। यानी कि जो सबसे बेटर उपकरण हैं वो यहीं नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं, और उत्तराखंड में ये हमें अल्मोड़ा के पास बगवाली पोखर से प्राप्त हुए हैं। यहीं पे हमारा प्रागैतिहासिक काल समाप्त होता है, और हमने ये साबित किया है कि उत्तराखंड में आदि मानव का अस्तित्व था। अगली वीडियो में हम उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।